दोस्तों, ये सवाल मेरे पास काफी टाइम से लोगों का आता है कि कैसे हमको डायरेक्ट यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं इस बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए, मैं हमेशा से इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए आ रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, ऐसा कुछ भी यूएस की स्टॉक मार्केट में नहीं है कि आप इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करके ना कमा सकें, तो वो चीज आपको यहां पर समझ कर चलनी है। अब आजकल क्यों लोगों को यूएस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज्यादा एक प्रमोशन होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ऐप्स आ चुकी हैं जो प्रमोट कर रही हैं अपने आप को, जो यूएस में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कराती है। वो आपको एक चीज समझनी है कि जो भी लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, उनका पर्पस प्रमोट करने का ये नहीं होता है कि आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करिए। वो आपको प्रमोशन की तरह उस चीज को समझना है कि अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको वो नॉलेज है, आपको पता है, टेस्ला की एनुअल रिपोर्ट आपने पढ़ी है, आपने गूगल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, आपको उनकी बिजनेस की समझ है, आपने देख रहे हैं कि कैसी ग्रोथ वहां पर आ रही है, आपको ये सब नॉलेज है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बाद, तो आप यूएस की मार्केट में इन ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। वो उस टाइप से उस चीज को आपको देखना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करना है या आप यूएस की मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके कुछ बहुत ज्यादा मिस आउट कर रहे हैं, तो वो चीज आपको यहां पर अपने माइंड में क्लियर रखनी जरूरी होती है। और देखिए, जितने भी लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं, वो रीजन उसका यही होता है कि वो प्रमोशंस हैं और ऐसा कुछ अलग से नहीं मिलता है कि आपको यूएस की इक्विटी में डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50% की रिटर्न मिलेगी और इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10% की ही रिटर्न मिलेगी। अगर देखिए आपको यूएस की मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप, सिंस हमें बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता एनालिसिस करने के लिए यूएस के स्टॉक्स को, तो अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है यूएस की मार्केट में, तो आप म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू इन्वेस्ट करिए। उसमें भी आपको दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, या तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप उन एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनमें आपको अच्छी रिटर्न मिलती है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर बाहर किसी भी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो बेटर है कि आप उसके इंडेक्स को उठाइए और उसमें इन्वेस्ट करिए। इंडेक्स में जैसे नैस्डेक इंडेक्स हो गया, आपका S&P 500 इंडेक्स हो गया, डाउ जोन्स इंडेक्स हो गया, इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोचिए। डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ना तो इतना डेटा अवेलेबल है यूएस मार्केट का, कंपनीज का, कि आप उन स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक कर सकें, रेगुलरली आप उसको उनकी रिटर्न्स को देख सकें, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है। तो उस चीज को आपको यहां पर समझ कर चलना है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आप सबसे पहले तो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आपको डायरेक्ट इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझनी है कि अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, अच्छे मौके यूएस में मिल रहे हैं, जैसे भी बहुत अच्छी गिरावट यूएस में ऑलरेडी आई हुई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना है इंडेक्स में इन्वेस्ट करके। नैस्डेक इंडेक्स फंड जो इंडिया में अवेलेबल हैं, या उसके अलावा जो भी इनके कॉमन इंडेक्स हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता है कि यूएस की मार्केट में गिरावट आई है, आपके इंडेक्स में गिरावट आ गई है, यूएस की मार्केट उछली है तो आपके इंडेक्स में रिटर्न्स आ गई है, इसलिए ये बेटर तरीका है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं किसी को भी, जो भी इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में कुछ नेगेटिव वीडियो ये नहीं बना रहा हूं। मैं खुद भी अलग अलग प्रमोशन अपने चैनल पर करता हूं। मैं बस आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी प्रमोशंस होते हैं, जो भी फाइनेंस यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो वहां पर आपको उस प्रमोशन को इस एंगल से देखना है कि अगर आपकी उस लेवल की जरूरत है तो आपको वो चीज लेनी है, अगर आपकी वो जरूरत नहीं है तो आपको उसको नहीं लेना है। तो वो चीज के एंगल से आपको यहां पर समझकर चलना है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इतनी जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके यूएस में आप रिटर्न्स कमाएं। इससे फार बेटर अच्छा तरीका है कि आप इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करें अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यूएस में अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट बनना है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके ये रिटर्न्स कमाएं। अब ये सवाल बहुत बार मेरे से पूछा जाता था, इसलिए मैं ये वीडियो में इस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।